कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ भैया। ये लीजिए आपका दूध। थैंक यू। अच्छा भैया, अभी तक का कितना हिसाब हो गया अपना? अभी तो नया महीना स्टार्ट हुआ है ना, दो दिन हुए, बस 100 रुपये हो गए। अच्छा ठीक है, 100 रुपये, एक मिनट रुकना। हाँ ये लीजिए, अभी तक का अपना हिसाब क्लियर। और भैया मैं कह रही थी कि अब से दूध मत लाना। क्यों? बस ऐसे ही वो लगता नहीं है ना अब इतना दूध, तो इसलिए। नहीं नहीं दीदी, आप किसी और से दूध ले रहे हो? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही अब जरूरत नहीं रहती इतने दूध की। तो क्या हुआ दीदी, आपको कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत हो तो मुझे बताइए। वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं रही, अब थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और सेविंग्स भी इतनी नहीं है कि रोज़ रोज़ खर्चा कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और 1 किलो दूध 3-4 दिन चल ही जाता है, तो जब ज़रूरत होगी मैं आपको कॉल करके बुला लूँगी। ठीक है भैया, थैंक यू, ये लीजिए। देखिए दीदी, मैं हर रोज आपको दूध देने के लिए आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर भैया आप 6 साल से दूध ले रहे हो, आपने कभी पैसे देने में कोई देरी नहीं की। अगर आपका बुरा टाइम चल रहा है तो अब मैं कैसे दूध देना बंद कर दूँ, ये तो गलत है ना। पर भैया हम उधार का दूध कब तक लेंगे? ये उधार का नहीं है, मेरी तरफ से समझ लीजिए। जब भी आपके हस्बैंड की जॉब लगे तो मेरा हिसाब कर देना, अगर नहीं भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से समझ लीजिए। भैया मुसीबत छोटी नहीं है, पता नहीं कब जॉब लगेगी कब नहीं, कब गाड़ी पटरी पे आएगी, मैं आपके पैसे दे भी पाऊंगी या नहीं। आप मेरी बहन जैसी हो, कभी तो गाड़ी पटरी पे आएगी। देखिए अभी आपका बुरा टाइम चल रहा है, हो सकता है कल मेरा बुरा टाइम हो, जैसे मैंने आपकी मदद की है आप भी मेरी मदद कर देना। अरे नहीं भैया, बल्कि ये आप मेरी तरफ से रखो, गुड़िया को दे देना। थैंक यू भैया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा, अगर आपको मेरी दुकान से कुछ लेना है तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कह दिया, इतना ही बहुत है, थैंक यू।